आने वाले हैं, तो आप किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर? योगी आदित्यनाथ को। क्यों देखना चाहेंगे? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। बीजेपी से भी घुसते लेकिन अभी कुछ नहीं। अभी कुछ कौन सी सरकार ऐसी जो अच्छी है? सभी चोर है, सभी चोर है। तो काले धन वापस आने वाला था। किसका आया? मेरा आया, आपका आया? नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आपकी बात आपके साथ। तो आज हम ये पूछने आए हैं जनता से कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो किसको मुख्यमंत्री की शक्ल में देखना चाहती है। नेता जो है अभी उनकी रैलियां जो है प्रतिबंधित हैं कुछ तरीके से, लेकिन वहां पर अलग अलग बातें सुनने में आ रही है। कोई कह रहा है लड़की है लड़ सकती है, कोई कह रहा है हम बिजली जो है वो फ्री देंगे, कोई कह रहा है कि जातिवाद मतलब 80% हमारे में है और 20% हमारे वोटर्स नहीं है। अलग अलग बातें हैं जो नेता अपनी अपनी जनता तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं जनता से कि उनको किसकी बातें लुभा रही हैं। तो आइए जनता से जान लेते हैं बात। तो राइट समझे से और अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं 2022 में, तो आप किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? वो क्या आपका योगी जी को देखना चाहते हैं? योगी जी को क्यों देखना चाहते हैं? आप काम विकास किस तरह से देखना चाहते हैं? अच्छा, विकास हो चुका भी है क्या? अच्छा, ये बताइए जैसे कि विकास होने का कुछ बाकी में रह गया क्या? विकास बाकी में रह गया क्या? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ हो चुका है। बिल्कुल। अच्छा, तो आप मुख्यमंत्री जो देखना चाहेंगे वो योगी जी को देखना चाहेंगे? सर आप किसको देखना चाहेंगे? योगी जी। योगी जी बेस्ट है। सर आप समर्थक हैं उनके या फिर आप मतलब जो विकास हुआ जो काम हुआ उस हिसाब से? सर दो तीन काम बताइए। ज़्यादातर काम ही हुए हैं अपना, 300 राजा भी हट गई, 356 भी हट गया, पचास का मुद्दा भी है ज़्यादातर, जो लेडीज का सम्मान मिल रहा है जो समय देखो वगैरह जो हुए हैं नॉर्मल सही हुआ। तो जो अभी अभी कह रहे हैं कि जो गुंडा राज वो कहते थे योगी ने समा हुआ है, योगी जी कहते थे कि गुंडा राज खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया? डॉक्टर अरुण चाइल्ड स्पेशलिस्ट बाल रोग विशेषज्ञ, बच्चे की किसी भी प्रकार की बीमारी का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर अरुण जैन, MBBS DCH गोल्ड मेडलिस्ट, पता 8 हनुमान नगर प्रेम नगर शाहगंज बोदला रोड आगरा, पिन कोड 282010। उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाले हैं, तो आप किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर? योगी आदित्यनाथ को। क्यों देखना चाहेंगे? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। बाकी किसी का नहीं रहा? नहीं, बाकी उनसे बढ़िया किसी का नहीं रहा। अच्छा, उनसे बढ़िया किसी का? अभी जैसे कि जुगत में तो सब लगे हुए हैं, जैसे कि बसपा है, मायावती जी है उसमें, और अखिलेश यादव भी अपने पूरे चैलेंजर के सामने योगी जी के सामने खड़े हुए हैं, तो आप योगी जी को देखना चाहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से। अच्छा, आप समर्थक हैं क्या? अच्छा, तो जैसे कि लोग जहाँ पर हैं वो योगी जी को मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ देखना चाहेंगे, आई और लोगों से जान लेते हैं। आप तो वोट देने जाती है, तो महिला वोटर बहुत बड़ा स्तर माना जाता है हमारे उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे जो चुनाव आने वाले हैं? योगी जी को बनाना चाहेंगे? मत योगी जी, क्या आप काम से खुश हैं? हम तो उसको बनाना चाहिए, जनता की सेवा करेगा। सरकार कोई भी आनी चाहिए, जनता की सुविधा के लिए कोई सरकार आनी चाहिए। तो अभी योगी जी जो चल रहे हैं, मौजूदा सरकार है, आप उससे खुश हैं? काम कुछ नहीं, तो बुरा हाल कर रहा था गरीब आदमी। क्या नाम है आपका? राजू। राजू, बताइए जैसे कि अभी आपको मौजूदा सरकार है, आपसे कुछ नहीं लगे बाकी कांग्रेस को बना होगा बाकी सरकार बनी हम बीजेपी से भी घुसते, ऐसा नहीं है सपा से घुसते, अटल बिहारी जी थे, बीजेपी से भी घुसते लेकिन अभी खुश नहीं है। अभी खुश क्या मतलब आपका क्या स्तर है? आप जानते हो साहब की रिजल्ट आपके सामने, काम धंधा रोजगार लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, गरीब आदमी का यहाँ देखना चाहेंगे? अभी तो हमें पता नहीं है, हम किसी को नहीं जानते।
हम तो उसको देखना चाहते हैं जनता की सुविधा करे, कोई सरकार आनी चाहिए, हम तेरी सरकार से आ रहा ही नहीं है। आज वो क्या कितना आ रहा है 200 रुपए, क्या गुना महंगाई हो गई, क्या गुना महंगाई होगी। आप ये बताओ सारी 300 रुपए झंडा होने वाला 1000 रुपए, कौन सी सरकार ऐसी जो अच्छी है, सभी चोर है। अभी तो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, आप किसको देखना चाहेंगे? वो तो मैडम साइकिल होगी सब मैं देखना चाहेंगे। हाँ नहीं, ये वो कुछ नहीं है, सब मैडम राज्य कभी भी कभी भेदभाव नहीं हुआ। अच्छा तो नहीं हुआ, हर आदमी को रोजगार मिलेगा, योगी की सरकार ने बोला था कि 2 करोड़ आदमी को नौकरी मिलेगी, इधर 2 लाख सारे बुजुर्ग हो गए, फेल वाले पर मैं भी फेल वाले मैडम पैसा थोड़ी जाता है, घर का बजट भी तो देखना पड़ता है। आज बजट 4 गुना है, 4 गुना बजट है। आप 500 कमाते हो, क्या होता है 500 में 200 रुपए की तरफ ले, और मानो 100 रुपए लीटर गैस 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया सर, हाथ में दिए सभी अपनी अपनी खुशियाँ भरते हैं, कोई भी नेता सही चाहे मायावती सही इमरान खान सही, सब अपनी अपनी जेब में है, जनता का कोई नहीं है। सपा सरकार में, सपा सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ, अभी लॉकडाउन में GST और नोटबंदी कभी नहीं, लॉकडाउन वो ठीक है आपने, लेकिन GST नोटबंदी गरीब आदमी लाइन में लगे, वापस आने वाला था। किसका आया, मेरा आया आपका आया? डॉक्टर अरुण चाइल्ड स्पेशलिस्ट बाल रोग विशेषज्ञ, बच्चे की किसी भी प्रकार की बीमारी का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर अरुण जैन, MBBS DCH गोल्ड मेडलिस्ट, पता 8 हनुमान नगर प्रेम नगर शाहगंज बोदला रोड आगरा, पिन कोड 282010। आप चलो मैं आपकी बात बोले जाता हूँ, लोग नोटबंदी की गई थी, लाइन में कौन लगा था, कोई नेता लगा था, कोई मुख्यमंत्री था, कोई प्रधानमंत्री था, कोई उद्योगपति लगा था, यही था कि नोटबंदी से काला धन निकल जाएगा, क्या आपको लगता है काला धन निकला? मुझे तो बुझा काला धन निकलता, देश की सेवा में कम जनता और परेशान इससे बताया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जनता परेशान भी है, कुछ समर्थक भी आए और लोगों से जान लेते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, वो क्या किस स्तर पर मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं आगे, या जो मौजूदा सरकार चल रही है उसी को वापस देखना चाहते हैं लोगों से। जैसे कि आप महिला वोटर हैं, आप वोट देने जाती हैं, वोट देने जाती हैं, तो आप महिलाओं में उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और चुनावों में महिला वोटर का बहुत बड़ा प्रतिशत होता है, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे, किसको मुख्यमंत्री? तो आप किसको वोट देंगे? अच्छा नहीं, अच्छा नहीं बता दीजिए, ये जो आप जब वक्त आएगा जब मालूम पड़ेगा क्या वक्त बताइए, जो अभी मौजूदा सरकार चल रही है आप खुश है? सही है, अब चल रही है, आप खुश है या नहीं ये बता दीजिए। रोजगार कम है, रोजगार कम है, आपको जो स्तर होने वाले मुख्यमंत्री जो आगे आप देखेंगे रोजगार को लेकर देखना चाहते हैं, रोजगार होना चाहिए। और तो अभी आप योगी जी वापस आ जाए या कोई और बदलाव चाहते हैं आप? बस मिलेगी वो जो सरकार तो बनेगी, किसी की भी बने, या मोदी जी बने या देश की बने, किसी की भी बने, सरकार तो आएगी ना, तो आपको बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि बदलाव होगा या नहीं होगा, आप करना चाहेंगे बदलाव या नहीं? कुछ नहीं मालूम पड़ा, बदलाव चाहती है बता दीजिए। धन्यवाद। उससे जान लेते हैं कि जो युवाओं का जो स्तर है वो ज्यादातर जो निकल के आ रहा है वो रोजगार पर देखना चाहता है, और जितने भी हमने व्यापारियों से पूछा, रेहड़ी वाले जो है वो सिर्फ रोजगार को लेकर यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, और मुख्यमंत्री भी देखना चाहते हैं उनको जो स्तर है वो रोजगार को लेकर। ये मेन मुद्दा जो है यहाँ पर आगरा की राजा मंडी में जो मेन मुद्दा हमने लोगों को जाना वो सिर्फ जो है वो रोजगार ही, और लोगों से जान लेते हैं कि और उनके क्या मुद्दे। मुख्यमंत्री किस पर
अच्छा अखिलेश यादव को जाएगा सपा को जो अखिलेश यादव है उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अपने काम से आप खुश नहीं लग रहे हैं? अपने के कामों से आप खुश नहीं है? योगी जी का हां छाटा दे तो बता दे आप बात कर सकते हैं जीवन में कितना जनता को आप के हिसाब से जनता की बात है यादव की कंपनी में तो बैठूंगा नहीं है बढ़िया करे घटिया करेगा ये कोई इसको चल देगा सरकार को वोट मिलेगा क्या योगी है या जनता की जनता को वोट मिलेगा पार्टी का वोट तो मिलेगा जो आप बताइए आप किसको वोट देना चाहेंगे? बीजेपी बीजेपी वोट देना चाहेंगे क्यों देना चाहेंगे अच्छा कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है अच्छा कर रहे हैं लेकिन मिडिल क्लास के लिए कुछ सोच है जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए कुछ फिर भी लेकर आपके मुद्दे क्या आपको क्या मुद्दे किस स्तर से आप उनको लाना चाहते हैं? विकास कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है राम मंदिर का सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है अच्छा और पांडे जी थोड़ा नाराज दीजिए पांडे जी अच्छा दीजिए पांडे जी किसको वोट देना चाहेंगे आप? मोदी जी को वोट देना चाहेंगे योगी जी को जैसे आप योगी जी अभी चल रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जनता कितनी मरी है गरीब आदमी कितना मरा है प्रत्याशी बना दिया आप इसीलिए उनको वोट दें और बाकी विकास से आपको वोट नहीं मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है तो जैसे कि अभी अखिलेश यादव चले मायावती बाकी भी लाइन में खड़े हुए हैं उनको वोट कैसा लगता है उनको कार्यकाल आपको कैसा लगा और बाकी जो पहली जो सरकार थी हम मोदी की सरकार सही चल रही है सोनिया क्या विकास स्तर से लेना चाहिए आपके समर्थकों की समर्थक है अभी ज्यादा मिल रहा है आपको मिला है क्या इसीलिए आप कह रही है कि उनको आपको मिला पहले भी लोगों को मिलता था पहले तो पहले कम मिलता था अब सही मिल रहा है सबको अच्छा अब सही मिल रहा है तो आप किसकी सरकार देखेंगे योगी जी की देखना चाहेंगे आप किसकी देखना चाहेंगे आपके युवा जो है तो जैसा कि आप देख रहे हैं लोग महंगाई से परेशान हैं और शिक्षा मुद्दा के अलग अलग लोगों के मुद्दे के बेरोजगार सबसे ज्यादा जो निकल के आया है वो रोजगार को लेकर है और कुछ लोग अखिलेश यादव को वोट करना चाहते हैं कुछ लोग योगी जी को वोट करना चाहते हैं और कुछ लोग जैसे कि हैं वो मतलब बदलाव नहीं चाहते हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि जातिवाद से भी वोटिंग अभी होगी तो हर तरीके से यहाँ पर वोटिंग होगी। तो अभी हमने जाना है आगरा से राजा मंडी में अलग अलग लोगों के मुद्दे हैं अलग अलग जाना चाह रहे हैं
और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं एक नई ग्राउंड ग्रुप के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपकी बात आपके साथ।